हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अंजू मौर्या और आज के इस बेहतरीन टॉपिक में हम आपको टाइप्स ऑफ एग बताएंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर एग्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, अमाउंट ऑफ योक और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ शेल के बेसिस पे बताएंगे. तीन तरीके का हम एग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक. योक के अमाउंट के बेसिस पे एग कितने तरीके के होते हैं. ए लेसिथल एग, माइक्रो लेसिथल एग, मीजो लेसिथल और पॉली लेसिथल या माइक्रो लेसिथल या मेगा लेसिथल भी कह सकते हैं. देखिए, ए लेसिथल का मतलब होता है एग के अंदर योक पूरी तरह से एब्सेंट हो. जैसे ह्यूमन का एग ए लेसिथल होता है, हमारे एग में योक नहीं प्रेजेंट होता. माइक्रोलेसिथल का मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ योक, जो योक है वो लिटिल अमाउंट ऑफ मतलब काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो. जैसे इकाइनोडर्म्स के मतलब स्टारफिशेस, एम्फियोक्सिस, सिफेलोकॉडेटा, यूथीरियन मैमल. यूथीरियन मैमल जिसको हम प्लेसेंटल मैमल के नाम से भी जानते हैं, एक्सेप्ट मैन. ठीक है, मैन को छोड़ दिया जाए. मीजोलेसिथल का मतलब है, तो मीजोलेसिथल का मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक. योक मॉडरेट अमाउंट में पाया जाता है, जो कि एम्फीबियन इसका एग्जाम्पल है. पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ योक. योक काफ़ी बड़े अमाउंट में पाया जाता है, लार्ज अमाउंट में पाया जाता है. और पॉलीलेसिथल के एग्जाम्पल हमने आगे लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमने बताया है आपको फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और प्रोटोथीरियंस. एग लेइंग मैमल जिनको हम मोनोट्रीमेटा भी कह देते हैं, मोनोट्रीमेटा. ठीक है, ये पॉलीलेसिथल एग हैं. अब समझिए पॉलीलेसिथल एग के बारे आगे हम लोग देखेंगे. तो इस तरीके से हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक चार तरीके के एग हैं, ए लेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, पॉलीलेसिथल. अब हम आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक. योक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम देखेंगे एग कितने तरीके का होता है, मतलब वो कहाँ पे लोकेटेड है. सबसे पहले आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल. योक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एग, मतलब ये जो भी माइक्रोलेसिथल होते हैं, माइक्रोलेसिथल एग, वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आइसोलेसिथल होते हैं. माइक्रोलेसिथल हमने अभी बताया था एम्फियोक्सिस का है, स्टारफिश का है, यूथीरियन मैमल का है. तो जो भी आप कह लो कि जो आप कह सकते हो कि जो माइक्रोलेसिथल एग हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आइसोलेसिथल है. मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग. मॉडरेटली टीलोलेसिथल एग का मतलब होता है योक मॉडरेटली है. ठीक है, टीलोलेसिथल का मतलब होता है योक एक पोल पर हो, साइटोप्लाज्म एक पोल पर हो और योक मॉडरेट होना चाहिए. योक एक पोल पर है, जहाँ पे योक होता है उसको हम वेजिटल पोल कह देते हैं और जहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है उसको हम एनिमल पोल कह देते हैं. लेकिन योक मॉडरेट होना चाहिए. मॉडरेट का मतलब मीडियम अमाउंट. तो योक कंसंट्रेटेड एट वन पोल कॉल्ड एज वेजिटल पोल और मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक होगा. जैसे एम्फीबियंस का मॉडरेटली टीलोलेसिथल है, जबकि हाईली टीलोलेसिथल मतलब योक एक पोल पर ही हो लेकिन हाईली टीलोलेसिथल मतलब अमाउंट के बेसिस पे मैक्रोलेसिथल होना चाहिए. तो योक फाउंड इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि अमाउंट के बेसिस पे ये मैक्रो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये हाईली टीलोलेसिथल मतलब टीलोलेसिथल है. तो इसीलिए इसको हाईली टीलोलेसिथल, जैसे फिश, बर्ड, रेप्टाइल और प्रोटोथीरियन है ना. बाकी सेंट्रोलेसिथल में क्या है, योक लार्ज अमाउंट में है, अमाउंट के बेसिस पे लार्ज लेकिन सेंटर में है. ठीक है, सेंटर में है ये इंसेक्ट. तो कुल मिला के ये दोनों हाईली टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल ये दोनों ही मैक्रोलेसिथल के बेसिस पे आते हैं, अमाउंट के बेसिस पे. तो अमाउंट के बेसिस पे जो मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे दो कैटेगरी में आ जाएगा. इंसेक्ट अलग निकाल लो, वो सेंट्रोलेसिथल में आ जाएगा. बाकी फिशेस, एम्फीबियंस, सॉरी फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मोनोट्रीमेटा या ओवीपैरस मैमल जो है, एगलिंग मैमल जो है, वो हाईली टीलोलेसिथल में आएगा. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक था. इसके अलावा अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ योक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल. सेल के बेसिस पे सेल अगर प्रेजेंट है तो क्लीडोइक एग और नहीं प्रेजेंट है तो नॉन क्लीडोइक एग. प्रेजेंट है सेल मतलब कवच. जो एग कंटेन्स अ थिक सेल, सेल इज परमिएबल फॉर गैसेस.
York mineral and water present us egg ke andar is sufficient amount. Help in terrestrial adaptation like reptile, bird, insect or prototherian. Reptile, bird, insect or prototherian ke jo York, क्योंकि ये terrestrial, इसमें fish नहीं आएगा, fish तो aquatic में आ जाएगा, तो terrestrial adaptation के लिए है, तो reptiles हो गए, birds हो गए, insect हो गए, prototherian, इनके एक कवच वाले होते हैं, cleidoic, और जहां non-cleidoic है, तो shell absent होता है, और egg membrane काफी thin होती है, जैसे all oviparous animal, जितने भी oviparous animal हैं, जो अंडे देते हैं, in water, water में अंडे देने वाले, और साथ-साथ all viviparous mammal, जितने भी वीवी जो बच्चे देने वाले मैमल हैं उनके भी तो एग तो बनते हैं ना ओविलेशन के दौरान एग रिलीज होता है वो भी एग नॉन क्लिडोइक होता है ठीक है तो इस तरीके से हमने आपको टाइप्स ऑफ एग बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ शेल आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा अगर आप हमारा किसी भी तरीके का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन बायोलॉजी से रिलेटेड जूलॉजी या बॉटनी सी यू ई टी असिस्टेंट प्रोफेसर डी ट्रिपल एस बी एम आर एस एन वी एस के वी एस या स्टेट टी जी टी पी जी टी एल टी जी आई सी अगर आप किसी भी स्टेट से इंडिया के तो आप हमारे जो है कोर्सेज से जुड़ सकते हैं लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस किसी से भी आप जुड़ सकते हैं और हमारे बेहतरीन टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छे अपने पास अवेलेबल हैं अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ओके ऑल द बेस्ट बाय बाय